तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पेस्ट सॉरी फॉर्मेटिंग। हम बात करेंगे आज फॉर्मेटिंग के बारे में कि किस तरह से हम फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो फॉर्मेटिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आप कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो किसी भी रिपोर्ट का सबसे पहला स्टेप होता है उसकी फॉर्मेटिंग, क्योंकि जितनी अच्छी उसकी फॉर्मेटिंग होगी आप उतना ही उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। सो फॉर्मेटिंग जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्मेटिंग के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आखिर फॉर्मेटिंग हम कैसे यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम देखिए छोटे मोटे फॉर्मेटिंग जो आप यहां पर देख रहे हैं बोल्ड इटैलिक वगैरह तो आप कर ही लेते हैं ना, इतना तो आपको आती है। हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की। फॉर्मेटिंग ट्रिक्स कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स जो कि आप यूज नहीं कर पाएंगे, नहीं जानते हैं, जैसा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप उसको यूज नहीं कर पाए होंगे। चलिए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे हम कभी कभी होता है कि हम टेंथ लिख देते हैं या फिर एनडी लिख देते हैं या फिर आरडी इस तरह से लिख देते हैं। तो अगर आप इसको एक वर्ड पे या पावर पॉइंट पे लिखते हैं तो टीएच ऊपर चला जाता है सर, टीएच आपका ऊपर चला जाता है बट यहां पे नहीं जा रहा। तो ये कैसे जाएगा? तो आप इस पे डबल की क्लिक कीजिए, ऊपर राइट क्लिक, हम जाएंगे फॉर्मेट सेल और फॉर्मेट सेल में हमारे पास एक आता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट करते ही आपका एक ऊपर चला जाता है। तो सुपर स्क्रिप्ट, लेकिन इसके लिए क्या है, आपको डबल क्लिक करके पर्टिकुलर करेक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा चीज का कि आप इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें और उस करेक्टर को सिलेक्ट करें और फिर इसके ऊपर आप सुपर स्क्रिप्ट रखें तो ऊपर जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे 10 डिग्री लिखना है तो मैं स्मॉल ओ लिखूंगा और इस पे हम बात करेंगे फॉर्मेट सेल और हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट हमने कर दिया तो ऊपर चला गया। लेकिन हम बात करें कि अगर बल्क में हुआ तो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग के बारे में सोचते हैं सर। जो मैं बता रहा हूँ इसका बेनिफिट है, हम बात कर रहे हैं तरीके की, अप्लाई करने के तरीके की, सोचने के तरीके की। अब मुझे मान लीजिए इन सब के ऊपर मुझे 10 डिग्री देना है इसमें, तो मुझे अगर हम बात करें तो हर एक सेल में जाके मुझे स्मॉल में इसको लिखना होगा, फिर इसके ऊपर मुझे फॉर्मेट सेल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि 1000 पे डेटा हुआ तो आपको काफी दिक्कत होगा सर, 1000 आपका डेटा हुआ तो ये आपका काफी टाइम लेगा, ठीक है। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, हम यहां पे स्मॉल में ओ लिखेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। और उसके बाद इसको हम यहाँ ऊपर की तरफ कर देंगे और साइड की तरफ कर देंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल करेंगे और मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ तो छोटा होकर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। फिर हम इस कॉलम को थोड़ा सा छोटा करते हैं और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं राइट क्लिक और हम जाते हैं फॉन्ट और यहाँ पर आते हैं बॉर्डर और बॉर्डर में हम यहाँ पर सब तरह की बॉर्डर देंगे, बस ये बीच वाला जो बॉर्डर होता है मतलब कि ये जो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉलम्स है ना तो जो बीच की लाइनिंग है वो लाइनिंग में नहीं दूंगा। और फिर इसमें और ज्यादा बेटर दिखाने के लिए आप इसकी ग्रिड लाइन को हटा दें। अभी आप फॉर्मूला में जाए पेज लेआउट में और ये आपका ग्रिड लाइन यहां से हटा दें। एक मिनट सर, हेलो, अभी मैं क्लास में बैठा हूँ, मुझे आप 1 घंटे बाद कॉल करें।
मैं क्लास में बैठा हूँ, आप 1 घंटे बाद कॉल करें तो मैं सही से बात कर पाऊंगा आपसे। ठीक, 1 घंटे में कॉल कीजिए। ठीक है सर, समझ में आया आपको? ठीक है। कहने मतलब कि तरीका है। अब जैसे हम आप देखिए, आप बाहर से देखने में तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि दो अलग अलग सेल में क्या, और 10 डिग्री हमने लिखा हो तो डिग्री जैसा हमारा ऐसा फीलिंग भी हो रहा है, राइट सर? हो रहा है ना सर? जी सर। तो इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि हम यहां से एक मिनट में अपनी ईमेल पे जाते हैं और ईमेल पे हम कुछ ऐसा एक वही उठाता हूं मैं, अमेज़न का था ना, एक सेंटेंस लेना था। चल इसी सर, इसी को ले लेते हैं, इसको लेते हैं सर यहाँ से, और इसको कॉपी, इसको कॉपी कर देते हैं। कॉपी करके हम यहाँ से सेल पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने पे आप देखिए एक जगह से एक जैसा नहीं, सबसे पहले तो इस पे हाइपरलिंक लग गया है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा फॉर्मेट में क्लियर और क्लियर रिमूव हाइपरलिंक कर दूंगा तो हाइपरलिंक हो जाएगा। लेकिन मुझे एक सेल में चाहिए तो एक बड़े से कॉलम में बड़े से रो ले लूंगा जितना मैं आ पाए, और इसको यहाँ से मैं कर दूंगा मर्ज। और मर्ज करने में सही नहीं आ रहा, आप इसको रैप कर दीजिए, रैप करने से हो गया। अब इसको ये क्या है, मिडल में है, इसको अगर राइट लेफ्ट में करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, इसको मिडल में कर दीजिए तो ये आपका सही तरीके से एडजस्ट हो गया। इस तरह से बड़े बड़े सेंटेंस को आप अपने एक्सेल में एडजस्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि इसमें बीच में अगर ये कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है जो कि गलत है, जैसे आपने ये लिखा ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन वर्ड यहाँ पे गलत है, जिसने भेजा है उसको बताना है कि ये गलत है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट सेल पर जाऊंगा और यहां से मैं कर दूंगा ये रहा स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू करके ओके कीजिएगा तो क्या होगा, अब देखिए ये आपका दिख गया गलत है। ठीक है, यस सर, क्लियर? यस सर, यस सर। इस तरह से इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं इसी ले इसी को देखता हूं, इसी को लेता हूं मैं और यहां पे मैं इसी पेस्ट कर देता हूं, एक पूरा का पूरा कॉलन को या आपकी जो सेल वैल्यू होगी उसको अगर आप, सॉरी इसमें रिमूव करना होगा आपका बॉर्डर को, इसमें बॉर्डर को नो बॉर्डर कर दिया तो बॉर्डर हट जाएगा। तो अब इसमें मैं बोलूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई बताना है कि हाँ ये 52 आपका गलत है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और जाके फॉर्मेट सेल में अगर आप ये स्ट्रिक थ्रू करते हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है ना सर। तो इस केस में मैं राइट क्लिक करूंगा, जाऊंगा फॉर्मेट सेल पे और जाऊंगा बॉर्डर पे और यहां से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको और इसको, कलर चूज करना चाहे तो आप कलर रेड चूज करें, लेकिन कलर चूज करने के बाद फिर आपको ये दोनों पे लिखना पड़ेगा एंड ओके करना पड़ेगा। F4 होता है लास्ट एक्शन को रिपीट करने का, तो लास्ट एक्शन है उसको रिपीट करने के लिए हम लोग F1 का यूज करते हैं। ठीक है सर, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। यस सर, आगे बढ़िए। लेकिन इसमें अगर मतलब सही का निशान लगाना हो तो सही निशान अगर लगाना हो इसमें तो आप इसी का यूज कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक किया हमने और फॉर्मेट सेल में जाते हैं बॉर्डर में, अब राइट में सही का निशान है तो ग्रीन कलर ले लेते हैं, साइज यहां से ले लीजिए और ए दे दीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। कि बोले थे आने के लिए क्या हुआ? हेलो, कल भी फोन किए तो उठाया नहीं, आ जाना यार, कहाँ है? ओके, ठीक ठीक ठीक।
लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, सॉरी म्यूट हो गया था, इसका ध्यान रखिएगा सर कि अगर आपने यहाँ पे अगर ऐसा कुछ किया हुआ है तो इसमें दिक्कत क्या होगा पता है सर? इसमें दिक्कत ये होगा कि इस पे आप किसी तरह का फिल्ट्रेशन, फॉर्मेटिंग या किसी तरह के कंडीशन लगा नहीं सकते। मतलब आपको अगर सिर्फ गलत वाले को फिल्टर करना है या इसके भी आप कोई मैसेज देना है तो आप नहीं दे पाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका जो फॉर्मेटिंग है, सॉरी आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मेटिंग को रीड नहीं कर पाता है सर, समझे? तो फॉर्मूला जो है वो फॉर्मेटिंग को रीड नहीं कर पाता है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर? यस चलिए, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो इसमें आप जो है कैप्स में पी लिख दें और पी को आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। अब इसके ऊपर आप यहां देखिए फॉन्ट मिलेगा, सबसे लास्ट में एक फॉन्ट है बाइंडिंग टू नाम का, बाइंडिंग टू या बेडिंग टू ऐसे कुछ है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपको क्या करेगा कि ये पी आपका ओरिजिनल में तो रहेगा पी, लेकिन पी को ओ जो है का जो पी है उस पी को वो इस तरह के सिंबल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और क्रॉस के लिए, मतलब कि गलत के निशान के लिए आप कैप्शन ओ लिख दीजिए। तो आगे चल के अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज देना हो तो क्रॉस जो है वो आपका पी हो जाएगा। आपका पी आपका जो है ओ हो गया ओ के लिए, सॉरी पी हो गया सही के निशान के लिए, क्रॉस हो गया ओ क्रॉस के लिए ओ हो गया। तो आपको फिल्टर लगाना है तो पी पे लगा लीजिए, क्रॉस पे लगा लीजिए, ओ पे लगा लीजिए क्रॉस की जगह पे, और इसमें कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं क्योंकि आपकी जस्ट विजिबिलिटी है, ओरिजिनल तो आपका वही है। ठीक है सर? यस डाउट सर इसमें? चलिए, अब इसमें इसमें किसी ने मैसेज किया आपने? ओके, अब ये तो हो गया कि क्या अगर एक जो आपका आपने जो बैनिंग टू का फॉन्ट दिया, ये फॉन्ट क्या है? ये फॉन्ट आपका एक्सेल का पार्ट है सर, ये आपका फॉन्ट जो है वो एक्सेल का पार्ट है, सॉरी विंडो का पार्ट है, एक्सेल का पार्ट नहीं। क्या हुआ, इस कुछ गलत बोल रहा हूं मैं सर? ये आपका एक्सेल का पार्ट नहीं है, विंडो का पार्ट है। तो अगर आपके पास विंडो का कोई और वर्जन हुआ, या विंडो का मान लीजिए आपका जो फॉन्ट है वो डिलीट हो गया है, करप्ट हो गया, ऐसा फॉन्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल ना करके दूसरा इस्तेमाल करेंगे। दूसरा तरीका है, हम कैप्स में जे को लिखेंगे और इस जे के ऊपर अलाइनमेंट में आप जाइएगा और यहां से -45 डिग्री के एंगल पे इसको चेंज कर लीजिए। तो -45 डिग्री पे आपका है चेंज हो जाएगा, तो इस तरह का आपका लेकिन क्या इस ये जो एंगल आपने चेंज किया उसका क्या यही यूज है, कोई और यूज भी है? जी हाँ, कोई और यूज भी है। तो बताता हूँ मैं, मैंने यहाँ पे नेम दिया, एक छोटा सा एक डेटा बना रहा हूँ आपको, लिख दीजिए, और ये मैं जनवरी का ही डेट डालता हूँ और इसको मैं ड्रैग करता हूँ।
पी लिखना था, सब चीजें गलत कर दिया हमने। नंबर भी मान लीजिए, नंबर ही रहने दीजिए। चलिए अब इसको हम डबल क्लिक करके इसको करते हैं, तो क्या मैं इसको एक पेज पे प्रिंट कर सकता हूँ सर? हमारा जो लैंडस्केप है तो मैं इसको पोर्ट्रेट है, इसको लैंडस्केप कर देते हैं, और यहाँ पे मैं नैरो कर देता हूँ, साइज कम कर देता हूँ। फिर भी आप देखिए ये 11 जनवरी तक का ही प्रिंट निकाल रहा है। साइज अगर मान लीजिए छोटा भी करते, जो प्रिंट आप यहाँ पे पेज लेआउट में जाके इसकी साइज को 80% कर देते हैं, फिर भी आप देखेंगे कि आपका जो प्रिंट है वो सिर्फ 14 जनवरी तक गया। अब इतना छोटा तो नहीं करेंगे जो पढ़ने में ना, क्या सर? यस सर। तो इसमें हमें आप देखिए क्या है कि इसमें सिर्फ हेडिंग बड़ा है ना, लेकिन इसका डेटा छोटा है, राइट सर? तो मैंने क्या किया, पूरा हेडिंग को सेलेक्ट किया और यहाँ अलाइनमेंट में ये आपका रोटेशन है, तो मैंने इसको रोटेट कर दिया, रोटेट टेक्स्ट अप, मतलब कि 90 डिग्री के पोजीशन पे ऊपर कर दिया। आप इसको फॉर्मेट सेल में जाके देखोगे अलाइनमेंट में, तो ये आपका अप में 90 डिग्री पे, राइट? मैं पूरे सीट को सेलेक्ट करता हूं, यहां से डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये आपका छोटा हो जाएगा सर। मान लीजिए मुझे इस पे ये बॉर्डर देने हैं, तो आप इसको बॉर्डर भी यहां से दे सकते हैं, या फिर आप बॉर्डर के जगह पे पेज लेआउट में ग्रिड लाइन को प्रिंट कर दीजिए। चलिए अब देखिए, फिर भी आपका बहुत स्पेस बच रहा है ना सर। तो मैं जो 80% था मैं परसेंटेज बढ़ा देता हूं, मैं परसेंटेज को 100% कर देता हूं। तो आप देखिए मेरा एक पेज में फिट हो गया, हो गया सर? यस सर। हां जी, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग का ट्रिक्स वही होता है कि आप अपने स्किल्स को इस तरह से यूज करें। अब जो चीजें मैं बता रहा हूं उसमें से मोस्टली आपको पता है, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन के बारे में आपको मैं समझा रहा हूं तो आपके लिए नया लग रहा होगा, क्या सुनील जी? जी सर। चलिए अब इसमें और चलते हैं, जैसे रैप टेक्स मैंने बताया आपको कि मतलब कि जब नाम लिखा और सुजीत कुमार में करता हूं तो ए आपका के वो हट जा बाहर चला जाता है आर से, तो दूसरे सेल में चला गया। तो अगर इस सेल में डेटा होगा तो ए आपका हिडन हो जाएगा, पूरा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैप कर देते हैं। तो रैप से क्या होता है कि नीचे आ जाता है, तो रो हमारा बड़ा हो जाता है। लेकिन ये तो चलो, आप जब रैप पे क्लिक करते हैं तो कॉलम की ब्रेथ, स्पेस और बहुत सारी चीजों को देख के वो नीचे तोड़ता है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से तोड़ूं, तो टाइप करते समय ऑल्ट एंटर या डबल क्लिक करके कर्सर रखिए, ऑल्ट एंटर प्रेस कर दीजिए तो टूट के नीचे आ जाएगा। ऑल्ट एंटर, ओके? क्या ऑल्ट? ऑल्ट एंटर, एंटर। अच्छा ठीक, तो ऑल्ट एंटर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन और आप जब रैप टेक्स करते हैं तो आपका रो बड़ा हो जाता है, मुझे रो बड़ा नहीं चाहिए। अगर मैं डबल क्लिक करके ऑटो फिट करता हूं तो कॉलम बड़ा हो जाता है, तो मुझे रो को बड़ा करना है ना कॉलम को बड़ा करना है। जितना बड़ा टेक्स्ट का साइज है मुझे उतने ही एरिया में अपने टेक्स्ट को फिट कर देना है। तो राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और यहां पे आपके पास आता है श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट कर दीजिए एंड ओके। अब देखिए इतने एरिया में आपका आ गया, ठीक है? ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, मर्ज। आप जैसे आपने देखा कि मैंने एक बड़े से एरिया के लिए मैंने मर्ज कर दिया सेल को, देखा ना सर? तो मर्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक आता है मर्ज अक्रॉस, जो मैंने अभी नहीं बताया आपको। मर्ज अक्रॉस पे क्या होता है कि सिर्फ कॉलम को मर्ज करता है, रो को नहीं। मर्ज अक्रॉस देखिए, सिर्फ कॉलम को मर्ज किया, तो बाकी तो नॉर्मल चीजें आपको पता ही। अब हम नंबर फॉर्मेटिंग में आते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग में कुछ बेसिक्स है लेकिन कुछ एडवांस है, ध्यान से देखिएगा। तो
नंबर फॉर्मेटिंग में अगला टॉपिक यहां पर आता है, यहां ए, ये आपके नंबर्स में, क्योंकि आपने अलाइनमेंट को समझ लिया, आप फॉन्ट को समझते ही हैं, इसमें जो चीजें नहीं थी मैं बता दिया, बाकी तो नॉर्मल है। बॉर्डर अप्लाई करना होता है, फिल में बैकग्राउंड कलर है, फिल इफेक्ट पे जाते हैं तो एक इस तरह का टू कलर का इफेक्ट जो है आप दे सकते हैं, तो ये जनरली सबको पता रहता है, शायद आपको ही पता ही होगा क्या सर? नहीं, ये नहीं पता मुझे। हाँ अच्छा, ये नहीं पता, जैसे कि हुआ कि आप तो नॉर्मली एक कलर दे देते हैं, मान लीजिए इसको मर्ज कर देता हूँ मैं, नॉर्मली आप यहाँ से भी कलर दे, लेकिन आपको कुछ इफेक्टेड कलर चाहिए तो आप फॉर्मेट सेल में जाएं और यहाँ पे फिल इफेक्ट आता है, तो फिल इफेक्ट में अभी जैसे कि आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो आपका इस तरह का आएगा, ठीक है ना, टू कलर का मिक्सचर, व्हाइट और ब्लू का, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ और, तो इसमें अपने हिसाब से फिल इफेक्ट में कलर आप बना सकते हैं, जैसे कि टू कलर का मिक्सअप है, अब रेड कर दीजिए, रेड एंड व्हाइट कर दीजिए, तो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, इसमें वर्टिकल है, जेंटल है, इस तरह से भी दे सकते हैं, फ्रॉम सेंटर, तो इस तरह से आपका होगा। ये मेरे ख्याल से डैशबोर्ड वगैरह बनाने में हेडिंग हाँ को। या फिर चार्ट की बैकग्राउंड वगैरह में होता है, ये होता है इसके लिए। यहाँ पे आपका पैटर्न कलर है, पैटर्न भी है कि इस तरह के पैटर्न भी दे सकते हैं आप, टेक्सचर वगैरह, पैटर्न वगैरह, ठीक है, कलर में मैं कलर गलत ले लिया, मैं कलर में मान लीजिए रेड ले लेता हूँ, तो इस तरह के लाइनिंग आपको दिखा देगा, इस तरह के लाइनिंग आप यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो फॉन्ट में आप समझिए, प्रोटेक्शन अभी आपको नहीं बताया, प्रोटेक्शन आपको प्रोटेक्शन वाली क्लास में बताऊंगा, अब बात करते हैं नंबर की, तो नंबर में कुछ बेसिक चीजें आज मैं डिस्कस करता हूँ, बाकी मैं कल डिस्कस करूंगा। तो इसमें आपका फॉर्मेट सेल में आपके पास आता है, ये आता है नंबर जनरल, मतलब जैसा टाइप करोगे वैसा आपको दिखेगा, जनरल मतलब ये हुआ कि जैसा आपने टाइप किया वैसा दिखा, आप नंबर पे आते हैं तो ये आपका नंबर जो है, जैसे कि अभी ये आपका दिख रहा है या 1234 दिख रहा होगा, तो ये आपका माइनस लगा तो माइनस दिखाएगा, अगर आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, आपने फॉर्मेट सेल में जाता हूँ मैं, अगर मैंने मान लीजिए इसमें एक कर दिया, कलर कर दिया, तो आपका माइनस जो होगा वो माइनस में नहीं कलर में दिखेगा, रेड कलर हो जाएगा, रहेगा माइनस, फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, रेड हो जाएगी, ये आपका ब्रैकेट लग जाएगा, ये आपका ब्रैकेट और कलर हो जाएगा, करेंसी में सब कुछ रहेगा, यहाँ पे करेंसी का सिंबल आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर करेंसी का कोड जो है कोड लगा सकते हैं, करेंसी कोड यूज होता है जब हम मतलब कि मल्टी करेंसी पे काम करते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए आपने डॉलर साइन लगा दिया तो किसका डॉलर, क्योंकि डॉलर साइन तो कई सारी कंट्री यूज करती है, सबका रेट अलग अलग है, ठीक है ना, और इसके बाद अकाउंटिंग में आइए, तो अकाउंटिंग में क्या है आपका कि सब कुछ कर सकते हैं, अकाउंटिंग में एक और यूज करते हैं, एक और यूज में बताता हूँ जो मैं खास कर यूज करता था, क्या था कि मेरे पास कुछ डेटा आते थे उसमें जीरो होता था, तो उस जीरो को मुझे थोड़ा सा अलग दिखाना होता था, जैसे कि जीरो है कहीं कहीं पे आपका जीरो है, तो मुझे इस जीरो को अलग दिखाना होता था थोड़ा सा, तो हम लोग कलर कर देते थे, कुछ लोग कलर कर देते थे, बट कलर में प्रॉब्लम क्या होती थी कि और भी बहुत सारे कलर होते थे, तो प्रिंट आउट हमारी ब्लैक एंड व्हाइट निकलती थी, तो उसमें कलर दिखता नहीं था, सब एक ही कलर दिखता था, तो वहां पे हम क्या कर सकते, अकाउंटिंग में हम यहाँ पे इसको कर देते नन और जीरो कर देते, तो क्या होता है डैश हो जाता था, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिखता था, रहता जीरो ही था लेकिन विजिबल आपका हो जाता था, क्योंकि फॉर्मेटिंग किसी भी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है सर। ठीक है सर। बाकी आप अगर फॉर्मेट सेल में आते हैं तो बाकी आपका यहाँ पे डेट है, आप अपने डेट के हिसाब से जो डेट जैसा डेट दिखाना चाहते हैं वो आप डेट का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, उसका करेंट आपके यहाँ पे कंट्री भी है, अगर आपका फॉर्मेट किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए चाहिए तो आप कंट्री के हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है, यस चलिए आगे बढ़े। सर।
उसके बाद टाइम है, आपका टाइम के फॉर्मेटिंग आप चूज कर सकते हैं। कि टाइम एक ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई टाइम दिया हुआ है किसी का 24 घंटे से ऊपर का टाइम दिया, जैसे 45 30 आपने दिया, तो अगर इस पे गलती से जनरल फॉर्मेट हो गया, तो इस पे अगर टाइम की फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि टाइम में अगर आपने कुछ और फॉर्मेट लिया तो 24 घंटे से ऊपर नहीं जाएगा सर, 24 घंटे के आसपास ही रहेगा। तो आप चाहते हैं कि 24 घंटे से ऊपर जाए, तो उस केस के लिए क्या करेंगे, तो ये आपका 37 30 55 लास्ट वाला फॉर्मेट है, उसको आप सेलेक्ट कर लें। आप देखिए 37 30 55 लास्ट का फॉर्मेट आपका अप्लाई है, ठीक है। यस सर, तो ये आपका यूज हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो बाकी आपका अगला जो फॉन्ट है, अगला फॉन्ट है आपका परसेंटेज, तो नॉर्मल परसेंटेज अप्लाई करते हुए ही है। फ्रैक्शन मतलब कि अगर आपने यहाँ पे 2.5 मैंने लिख दिया, 2.5 अढ़ाई लिख दिया हमने, तो इसको आप फ्रैक्शंस में अलग अलग तरीके से शो कर सकते हो। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया हाफ लेवल, तो ये आपका 2 1.2 दिखेगा, तो फ्रैक्शन में ही होता है। टेक्स्ट में टेक्स्ट फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे चेक नंबर लिख रहा हूँ, तो चेक नंबर जनरली क्या होता है, जनरली में 0 आगे लगा रहता है, तो यहाँ पे आप सिंगल कोट 0 0 देते हैं, तो हर पूरे कॉलम में अगर चेक नंबर देना है तो हर बार आपको सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप कॉलम में जाए, कस्टम पे जाए, और कस्टम नहीं यहाँ पे टेक्स्ट कर दें, तो आपका अब मुझे 0 0 सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं, 0 ऑटोमेटिक ले लेगा। तो आपका फॉर्मेट सेल में ये होता है, कस्टम आपका नॉर्मली जिप नंबर तो इंडिया में यूज होता नहीं है। कस्टम हम आपको हम बताएंगे स्पेशल की जगह पे, कस्टम आपको बताएंगे, ये कस्टम थोड़ा सा एडवांस होता है, ये हम आपको कल बताएंगे। अभी आप क्या करें, बाकी चीजों पे प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कस्टम थोड़ा सा एडवांस है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है सर। यस तो सर, कल इसी टाइम पे मिलते हैं और हम कल बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। ओके ठीक है सर। ओके, बाय, सी यू टुमारो।